नगर निकाय चुनाव को लेकर जानेंगे सीधे नगर के वोटर्स से कि आखिर क्या है मिजाज, क्या कहते हैं वोटर्स, क्या होंगे वोटर्स के मुद्दे। देखिए मेरे साथ पब्लिक एजेंडा में, ये पब्लिक है सब जानती है। विकास भी किया है साथ में विनाश भी कुछ किया है। वो हर वक्त हर सुख दुख की घड़ी में हर इंसान के लिए मौजूद रहते हैं। क्या माहौल है आपके वहाँ निकाय चुनाव में? माहौल क्या है भाई साहब, चलिए एक चीज बताइए, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आपके प्रदेश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है जी, मुस्लिम प्रत्याशी हैं आप, भाजपा से बिलोंग करते हैं, फिर ऐसे में कैसे सब संभव है? मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष से पत्रकार, निष्पक्ष बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ थर्राइए मत, आप आराम से बात करिए, ये मंच आपके लिए। मैं थर्रा नहीं रहा हूँ, ये फिर नगर पालिका को लाल कर देंगे, जनता किससे कहेंगे, जनता किससे कहेगी ये हमको बता रहे हैं। पहले एक इनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर ये लोग बोलते हैं, वो बताते हैं जब मंच पे खड़े होते हैं तो बताते हैं 80-20 का चुनाव होगा, 80-20 का चुनाव होगा, और 10,000 वोटों से जिताएंगे, 10,000 वोटों से, इससे कम नहीं, 10,000 वोटों से जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर की नगर पालिका लहरपुर में, और हमारे साथ इस वक्त लहरपुर की पब्लिक मौजूद है, और इस पब्लिक से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लहरपुर में चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 9 लाइव टीवी में। क्या नाम है आपका? गोपाल शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? लहरपुर गन्नी टोला में। इस बार आपके वहाँ चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इस समय जो है लगभग हाजी जावेद के पक्ष में है, और हाजी जावेद की जीत सुनिश्चित है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों कार्यकालों से नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हाजी जासमीर अंसारी या उनकी बीवी पूर्व सांसद कैसर जहां होती आई हैं, इस बार नगर पालिका के मतदाताओं ने मूड बनाया है कि इस बार दूसरा आदमी बैठाया जाए जो नगर का विकास पूर्ण रूप से कर सके। क्या नगर पालिका की सीट एक ही व्यक्ति को देना ये उचित है? ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि जो चेयरमैन है वर्तमान में, निवर्तमान अब कहा जाएगा, क्या उन्होंने विकास नहीं किया जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं? विकास भी किया है साथ में विनाश भी कुछ किया है। विनाश के नाम पर एक मजा सा कलंदर का मेला यहाँ पर लगता था, उस मेले को किस आधार पे यहाँ से उजाड़ा गया, इस बात का जवाब हमको माननीय कैसर जहाँ और माननीय विधायक जी दे दें। नगर की जनता ये सुनना चाहती है कि नगर मजा सा कलंदर का मेला किस आधार पर उजाड़ा गया। सिर्फ आपके अंदर नाराजगी मेले को लेकर? मेले को लेकर नहीं है, नगर में अन्य विकास मुद्दे थे उनको नहीं किया गया, तमाम पैसे का दुरुपयोग किया गया, तीन तीन चार चार फव्वारे बनाए गए तोड़े गए, उसके बाद वो फिर निस्ते नाबूद हो गए। आखिर ये जनता का पैसा, जनता टैक्स देती है, जनता के पैसे से निर्माण कार्य होता है, और उस निर्माण कार्य का जनता का पैसा व्यर्थ में खर्च हो, क्या यार जनता यही चाहती है? हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे का उपयोग सही जगह पर लगे। लहरपुर में अच्छे अच्छे डिवाइडर बनवाए हैं, बढ़िया बढ़िया भव्य गेट बनवाया है। डिवाइडर बनवाया केवल अपने इलाके में, आप निकल के जाइए मजासा चौराहे से जाकर कोतवाली की रोड पर जाइए, डिवाइडर की हालत देख लीजिए, किधर देखिए डिवाइडर की हालत देख लीजिए, क्या डिवाइडर की हालत है? क्या अपने इलाके में पक्षपात नहीं है ये? क्या पश्चिम के लोग नागरिक नहीं है वो? क्या वो टैक्स नहीं देते हैं पश्चिम के लोग? डिवाइडर के ऊपर हाई मास्ट लगी हुई बढ़िया बढ़िया, हमारे पश्चिम के इलाके पर हाई मास्ट क्यों नहीं लगाई गई? रोड देख लीजिए आप, इन्हें की रोड देख लीजिए मजासा से लेकर गेट तक के, और वहाँ मजा सा चौराहे से कोतवाली तक की रोड देख लीजिए, पक्षपात नहीं क्या है ये? आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर? किसी पार्टी से नहीं, निष्पक्ष हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, हाजी जावेद का सपोर्टर जरूर हूँ लेकिन मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। हाजी जावेद क्यों जरूरी है आपके लिए? हाजी जावेद के अंदर हमको एक विकास पुरुष दिखाई दे रहा है। 5 साल लॉकडाउन में। चलिए अभी फिर आपके पास लौटूंगा, क्या नाम है आपका? जुबैर अंसारी। किस वार्ड से हैं आप? महल्ला भूलनपुर, वार्ड भूलनपुर जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार हाजी मोहम्मद रफीक अंसारी साहब का चुनाव है। किस पार्टी से हैं? BSP, बहुजन समाज पार्टी। लोग कहते हैं BSP तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखिए पूरे प्रदेश की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये नगरीय निकाय चुनाव है और ये नगर की घर की पंचायत का चुनाव है, इसमें घर के लोग ही फैसला करेंगे, सारे प्रत्याशी हमारे घर के हैं, कोई बाहर का नहीं है, तो घर के लोगों की ये पंचायत है, घर के लोग तय करेंगे, बाहर वालों का कोई अधिकार नहीं है कि BSP का क्या क्रेज है या BJP का क्या क्रेज है। तो किससे लड़ाई है आपके पार्टी की? हमारी पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है, हमारे कैंडिडेट की, हमारा कैंडिडेट स्वयं सक्षम है जीत को पाने के लिए।
क्या नाम है आपका? हमारा इकराम अली नाम है, हम मोहल्ला कटरा लहरपुर में रहते हैं। हम क्या लग रहा है इस बार? इस बार हाजी जावेद की बयार चल रही है, लहरपुर में हाजी जावेद के अलावा कोई नहीं है। तो हाजी जावेद क्यों जरूरी है? वो हर वक्त हर सुख दुख की घड़ी में हर इंसान के लिए मौजूद रहते हैं और जो वादे करते हैं वो बाहर रहते हैं। हाजी जावेद के अलावा हमको कोई अच्छा नहीं लगता। तीन साल लॉकडाउन चला, जो इतने इतने बड़े पदों पे रहे आज तक एक इंसान की उन्होंने मदद नहीं की। अब हाजी जावेद ने दोनों साल अपना सारा जो कुछ सब जनता के हवाले कर दिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी आपने हाजी जावेद का नाम लिया है जी, उसी तरह से जो कैसर जहाँ हैं जी, पूर्व सांसद हैं जी, उन्होंने भी कई काम ऐसे किए कस्बे के लिए जो यादगार हो। कोई काम नहीं किया, केवल अपने लिए काम किए। लूटने का काम, क्या काम किया? ना तो उनके बच्चे हैं ना कुछ है। तो बच्चों के लिए नहीं, वो अपने जो उनके उनके आका जो बैठे हैं उनके लिए उन्होंने किया है। वो अपने लिए नहीं किया है, जो उनके जो आका है वो उनके लिए काम किया है। हम बस यही जानते हैं कि हाजी जावेद जिंदाबाद, हाजी जावेद जिंदाबाद। तो आपने मन बना लिया पूरी तरह से? हमने नहीं, लहरपुर की जनता 80% मन बना लिया है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इंशाल्लाह ये 90% जाएगी हाजी जावेद के पक्ष में। 90% जाएगी? 90% इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, आपके प्रत्याशी जो कैसर जहां पूर्व सांसद हैं जी, इस तरह से उनका विरोध हो रहा है, क्या कुछ उन्होंने विकास किया है? लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और बोलने का अधिकार है जी, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। जासवीर अंसारी और कैसर जहां जी, लहरपुर नगर का वो नाम है जी, जिन्होंने लगातार सन 2000 में उन्होंने राजनीति स्टार्ट की थी, 2023 चल रहा है बराबर कंटिन्यू, जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ था और उनके साथ है और उनके साथ रहेगा। आने वाली 13 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, वो भारी बहुमत से जीत के नगर पालिका पे उनका कब्जा होगा, क्योंकि आम जनमानस का और जनता जनार्दन का प्यार खैसर जहां और जासवीर अंसारी जी के साथ है। आज लहरपुर की जो पहचान है वो तरक्की, विकास, खुशहाली का रास्ता जो है, जो आज जो विकास हुआ, आप स्वच्छ सड़कें और ये सब देख रहे हैं, ये जासवीर अंसारी और कैसर जहां की देन। अभी शोभित जी आपने सुना है, अभी आपने सुना है कि बताया गया है कि जो विकास किया गया है ये अपने एरिया में कराया गया है, देख करके विकास कराया गया है, इसमें भी भेदभाव किया गया है। ये अभी ये बड़े भाई हमारे गोपाल दादा, ये बड़े भाई हैं क्योंकि ये उनके पक्ष में हैं, तो लाजिमी है जो जिसका सपोर्टर होता है वो तो उसके पक्ष में बोलता ही है। शुक्ला मेडिकल स्टोर है, इन्होंने बताया कि हाईमास्ट लगी हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको दिखाएं चल के, इनकी ही दुकानें हैं, इनकी ही मार्केट है, सबसे बड़ी हाईमास्ट इनके दरवाजे के पास लगी है। ये जो आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। जनता का प्यार और समर्थन जो है जासमीर अंसारी और कैसर जहां को मिल रहा, और जनता जो है उनके साथ है, और आने वाली 13 तारीख को आप देखेंगे ये लोग जो हैं, ये जो बता रहे हैं, तो आपको बताया हमने लोकतंत्र है, हर व्यक्ति किसी ना किसी का सपोर्टर होता है और जिसका सपोर्टर होता है स्वाभाविक। अच्छा चलिए चलिए, आप समाजवादी से हैं, आप लगातार समाजवादी में बने हुए हैं, समाजवादी से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि इस बार चुनौतीपूर्ण चुनाव है? ना कोई चुनौती थी और ना कोई चुनौती है, अगर चुनौती होती तो सन 2000 से और लगातार क्यों चेयरमैन है ये बताइए। क्या क्या मानते हैं आप? 2000 से बता रहे हैं, सन 12 में आपको शायद भूल गए हैं शोभित मिश्रा जी, जब हसीन खान ने जासमीन अंसारी को मतलब भर के वोटों से परास्त किया था और उस समय में हसीन खान के साथ था, बहुत बुरी हार हुई और वो हार किस आधार पर हुई थी ये आप भी जानते हैं, सारी जनता भी जानती है। उन्होंने अंसारी बिरादरियों के साथ भेदभाव किया था, क्या मजासा चौराहे से लेकर के और यहाँ दक्षिण चुंगी तक जैसा डिवाइडर बना, क्या मजासा चौराहे से लेकर के कोतवाली तक उसी कंडीशन में वो डिवाइडर बना है? बनेगा क्यों? बनेगा बना क्यों नहीं? बनेगा की बात क्यों हो रही है? बनेगा क्यों नहीं? बना क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? मैं अमित पाठक, जिला आईटी संस्था संयोजक रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी का, मैं प्रेसिडेंट लहरपुर रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी का। इस समय अब किसे लहरपुर
मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के कारण यहाँ पे हमारा प्रत्याशी कोई नहीं उतारा गया है और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो स्वतंत्र हैं, किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। इस समय मेरे जो पदाधिकारी जो मेरी टीम यहाँ पे है वो हाजी जावेद साहब के साथ है। और रही बात यहाँ पे जो अभी हम लोग बहुत लोगों के विचार मैंने सुने, समाजवादी पार्टी के सुने, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हमारे खड़े हैं सामने गोपाल जी, सबकी बात, मैं कौन किसका क्या विकास किया हमें इससे नहीं लेना देना, क्योंकि पहली बार मौका एक व्यक्ति को मिलना भी चाहिए, हम उसका भी तो विकास देखें, वो पांच साल क्या करेगा। चले सन 2000 से लगा के बात करते हो, सन 12 की बात करते हो, सन 14 की बात करते हो, हम ये नहीं कर पाते हैं। क्या किया, किसके लिए किया, हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रत्याशी प्रेजेंट टाइम से घर घर जा करके सबका बेटा सबका साथ लेके जो काम कर रहा हाजी जावेद साहब, उसका भी तो कार्य होना चाहिए, उसको भी तो जनता मौका देना चाहिए। आप हमने विकास गिनवा रहे हैं, क्या विकास समाजवादी पार्टी दिखाएगी हमें, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो सब लोगों ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबका खुला मंच है, सबका खुला सब है, अपना अपना होता है, लेकिन जो निकाय चुनाव होता है वो अपनी जिम्मेदारी से होता है, अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, अपना व्यक्तिगत भाईचारा भी होता है। आप इस बात को मानते हैं कि आप हाजी जावेद के समर्थन में? मैं हाजी जावेद साहब के समर्थन में, मेरा पूरा परिवार है, मेरा पूरा संगठन लहरपुर का है। आने वाले समय में 5 साल अगर मैं हाजी जावेद साहब को देता हूँ तो हो सकता है वो भी कुछ विकास की नई धारा लहरपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको जनता ने मौका दिया सन 2000 से लगा के अभी तक, आपने अपना कार्य किया, आप किसी दूसरे को मौका देंगे वो अपना कार्य करेगा, कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। मैं समस्त जनता जनार्दन से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार अगले को भी मौका मिलना चाहिए। अभी किसी ने 10 साल, किसी ने सांसदी चलाई, किसी ने विधायकी चलाई, सब कुछ चलाया, लेकिन लहरपुर का विकास वही का वही है। चलिए एक चीज बताइए, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आपके प्रदेश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है जी, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, फिर ऐसे में कैसे सब संभव है? हमने अभी आपसे बताया ना, कुछ व्यक्ति विशेष भी अपने संबंध भी होते हैं, पहली बात तो ये भाई साहब। और रही बात हिंदू मुस्लिम से हमें लेना देना, ये निकाय चुनाव है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी नगर पालिका या महानगर जिसमें मेयर पद पे मुस्लिम प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी उतारी है, क्योंकि हमारे वहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा भी बनाया गया है। चलिए एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनौतीपूर्ण चुनाव होने वाला था, इस बार बीजेपी डर गई हो इसलिए यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा है कि ये बात हकीकत कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हमारा लहरपुर में, अब किसे यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, लेकिन यहाँ पे समर्थन भी किसी को नहीं दिया गया। यहाँ पे जितने भी लहरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के या उससे संबंधित जितने भी संगठन हमारे लहरपुर में चल रहे हैं वो खुला स्वतंत्र हैं इस समय कि आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, वो उनकी खुद की व्यक्तिगत राय है। इस माध्यम से लहरपुर में कार्य चला। और जो रही बात चुनौतीपुर, 20 साल से लहरपुर की जनता ने सबको देखा है, एक बार नया प्रत्याशी कोई आया है उसको भी जो हर चाहे हिंदू या मुस्लिम ना समझ के सबके दुख सुख में वो खड़ा होता है, हर जगह हर चीज पूर्व से लगा के पश्चिम, पश्चिम से लगा के उत्तर, वो हर जगह जाता है। मैं इस बार खुला समर्थन हाजी जावेद साहब का मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम उनके साथ खड़ी है। आपने पूरी तरह से ठान लिया है जी? बिल्कुल। और रही बात चुनौतीपूर्ण, 20 साल का विकास ये कुछ नहीं होता है, जो सत्ता में होगा जो होगा जिसके पास मौका 5 साल का मिलेगा वो लहरपुर के लिए अपने क्षेत्र के लिए विकास करने की कोशिश करेगा। आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। पहली बात तो ये भाई हमारे हैं जी। आप अभी यहाँ पर भाई की बात नहीं हो रही है, सुन तो लीजिए मेरी बात, उसी को बता रहे हैं, ये भाई हमारे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मंच है तो उस पर जो बात जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। इन्होंने बताया कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो आप भी जानते हैं तंबोर भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये बात जानते नहीं जानते आप? जी, तो वो भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और खैराबाद भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। जब भी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल दिया है, तंबोर में भी जब्बन बेग को दिया गया है, भली भा जानते होंगे आप, ये भाजपा के लोग हैं। एक रामचरित मानस में जो है वो चौपाई है कि झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबेना और बोले मधुर वचन जिब मोरा खाए महा अति हृदय कठोरा। तो श्री रामचरित जो रामचरित कलयुग का जो है वो विश्लेषण करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा जो है वो बिल्कुल मोर के जैसा है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो बिल्कुल मोर के जैसा है, वो अच्छा दिखता है और सुंदर दिखता है और बोलता भी अच्छा है, लेकिन वो जिंदा सांप को जो है
वो निकल जाता है। ऐसा ही भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। आप थर्राइए मत, आप आराम से बात करिए, आप थर्राइए मत, आराम से बात करिए, आप थर्राइए मत, आराम से बात करिए। मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष से, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ थर्राइए मत, आप आराम से बात करिए, ये मंच आपके लिए। मैं थर्रा नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। तो ये जो है और इनके प्रदेश के मुखिया जो है, जब पहले एक इनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर ये लोग बोलते हैं, इनके जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बताते, जब मंच पे खड़े होते हैं तो बताते हैं 80-20 का चुनाव होगा, 80-20 का चुनाव होगा। ये तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये 80-20 है क्या, 80-20 क्या है, मैं विकास की बात कर रहे हैं ना, तो विकास कहाँ पे नहीं हो रहा है, बोले सबका साथ सबका विकास, फ्री राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, घर घर शौचालय दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, समय मिलता था राशन, आवास समय मिलता था, आवाज समय मिलता भैया जी जी कहिए। हाँ। भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि विकास योगी जी ने कुछ नहीं किया जी। लहरपुर में 25 वार्ड हैं, 25 वार्डों में किसी भी वार्ड में आप जाकर के देख लीजिए, हिंदुओं से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम भाइयों के बने हुए हैं, सबसे ज्यादा आवास प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम भाइयों के बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा राशन मुस्लिम भाई ले रहे हैं। किसी भी कोटे की दुकान पर जाइए आप, सुबह देखिए जाके कि कितनी भीड़ लगती है। कल पहुंचे हैं ये साइकिल में, हमसे बड़े साइकिल वाले, कल परसों में जेपी में, सुनिए ये बहुजन में ठीक, और नर्सो कांग्रेस में, आज समाजवादी में, हम लोग से पूछो समाजवादी के कत्ते पुराने, ये क्या कल के हैं आप, उनको भाई साहब बात बता रहे हैं रमजान की बात बता रहे हैं, कोई पब्लिक से पूछ लो जाके, एक बोरिंग टंकी पे नहीं है, टंकी में एक बोरिंग खराब हो चुकी, रमजान का महीना बहुत बड़ा महीना होता है ठीक है, टोटी जम्बे टुप टुप चुहाती है पानी, हम लोग किससे कहें जाके, एक बता, ये पद का सारे इनको ही दे दें। भाई आप संसद रहे, हर चीज रहे, इतने बड़े पद पर रहे ठीक है, अब दूसरों को चांस दो, अभी कल 4 महीने बाद जो है संसदीय का चुनाव आ जाएगी, ये फिर संसदीय में चली जाएंगे, ये फिर नगर पालिका को लाल कर देंगे, जनता किससे कहेगी, जनता किससे कहेगी, ये हमको बता, हर इनको पद चाहिए, बाकी जनता कुछ नहीं करे। हाँ लॉकडाउन में कहाँ थे, एक मिनट, लॉकडाउन में कहाँ थे आप लोग, लड़िए ना आप लोग, लड़िए, क्या बता रहे हैं, हमने बाहर से बाल्टी भरी है, नहीं नहीं हमने रोजन में बाहर से सरकारी नल से बाल्टी भरी, तुम लोग कहते विकास, 1 किलोमीटर रोड सिर्फ विकास है, बाकी चलो अगर गिर नहीं पड़ो तो जानना, कहो इनके लड़के नहीं है वो निम्बरी में खड़े कर देते, इनको सारे पद इनको ही चाहिए, ये बताओ 2 महीने से बोरिंग खराब है टंकी की, किसी आप मुस्लिम से या किसी से जिसके घर में टंकी टुप टुप पानी आ रहा था, विकास की बात करते, कहा विकास हुआ हमका कोई बताओ, क्या नाम है आपका, वजाहत अली, आपके हिसाब से क्या माहौल है। देखिए माहौल एक बयान चल रही है जावेद के पक्ष में जी, क्योंकि वो पिछला चुनाव लड़े थे और कुछ मतों से वो चुनाव हार गए थे जी, लेकिन बराबर उसके बाद भी वो चुनाव हारने के बाद जनता में अपनी उपलब्धता बनाए रखे हैं और हर आदमी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। जो लोग चुनाव जीते थे वो लखनऊ और दिल्ली और मुंबई घूमे हैं, उन्हें जनता से सीधा रास्ता कोई नहीं रहा है, लेकिन हाजी जावेद साहब चुनाव हार कर भी दिलों में जगह उन्होंने बना ली थी, इस वजह से इस बार पूरा माहौल उनके पक्ष में इस बार है। आपने क्या मन बनाया है? मैंने हाजी जावेद साहब के लिए मन मनाया है, मैंने क्या, लहरपुर की पूरी जनता ने, हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों सारे जाति बिरादरी के लोगों ने हाजी जावेद की तरफ अपना मन बना लिया है, मन बना लिया है। और रही बात समाजवादी की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जासमीर अंसारी नकली समाजवादी है, क्योंकि इन्होंने मलाई काटने के लिए बसपा में गए, लोकसभा चुनाव लड़ना था ये कांग्रेस में आ गए, MLC बनना था सपा में आ गए, अगर कल को इनको दूसरी पार्टी को ऑफर कर दे ये तुरंत समाजवादी पार्टी को लात मार के बाहर निकल जाएंगे। और रही बात हाजी जावेद साहब की, उन्होंने सपा के लिए बहुत दिन काम किया, अपना पूरा 30 से 40 साल उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया और उसके बाद उन्हें जो हक था उनको पार्टी ने नहीं दिया, इस बार उनके साथ असली समाजवादी भी हमारे साथ में है
और भाजपा भी हमारे साथ में है और कांग्रेसी भी हमारे साथ में है और बसपा भी हमारे साथ में है। सारी पार्टियों का समर्थन हमें मिल रहा है। ये नकली समाजवादी लोग हैं, लोगों को झूठा बोल के बरगला रहे हैं। इनका कोई चर्चा इस बार समाज में नहीं है। जन आदमी है, मैंने उनको ये कोरोना काल में देखा है मेहनत करते हुए। मैंने खुद मेहनत किया है। गरीब आदमियों को अनाज पहुंचाया है मैंने, और उस काल में जानवर इंसानों को सबका सम्मान दिया है। एक चारा भी नहीं था। हाजी साहब ने, हम लोगों ने मेहनत की है, गांव गांव चारा पहुंचाया है। पानी में डूब के गए हैं, तैर के गए हैं हम लोग। हाजी साहब दो साल पहले तो इन्होंने क्या किया? कोई कोरोना काल में कोई नेता यहाँ आया था गरीबों के लिए? भैया ले ले लो गेहूँ, ले ले आटा, ले लो। हाजी साहब ने बांटा है, और हाजी साहब को लालच में नहीं बांटा था, वेल में बांटा, बिस्वा में बांटा, खैराबाद में बांटा, सब कहीं बांटा। तो ये लहरपुर की पब्लिक थी जो अपना अपना पक्ष रख रही थी। चश्मा वाले चाचा हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम चुन्नन खां है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमने लहरपुर से कवरेज की थी और उसमें हमने इनको दिखाया था और इनका पक्ष रखा था, जिसमें इन्होंने अपने चश्मे से देखकर ये बताया था कि लहरपुर की सीट जो है तो सपा के पक्ष में जाएगी। और वाकई में इनकी बात इतनी सत्य निकली कि लहरपुर विधानसभा से अनिल वर्मा विधायक बन गया समाजवादी पार्टी से। आज भी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, चश्मा लगाए, फिर आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चश्मे के अंदर से देख के बताएं कि इस बार लहरपुर का कौन प्रत्याशी है और इस बार चेयरमैन बन रहा है। आप चश्मे से देख करके बताइए, सबसे पहले तो कैमरे की तरफ देखिए आप, फिर चश्मे से ये गौर करिए, ये बताइए देख के कि इस बार लहरपुर का चेयरमैन कौन बन रहा है। हाजी जावेद साहब बन रहे हैं, और हाजी जावेद साहब कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा है, और हीरे को हम लोग हाथ से नहीं निकलने देंगे। हिंदू मुसलमान जितना भी है, टोटल हिंदू भाई हमारा, टोटल मुसलमान भाई हमारा, और जो अंसारियों के ऊपर कुछ टोटल हमारा अंसारी भाई, सारा अंसारी भाई, इसमें आधे से ज्यादा अंसारी है, वो हमारे साथ है, और हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, 10,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा एक बार और आप कायदे से देख के बताइए कि लहरपुर नगर पालिका का चेयरमैन कौन बन रहा है। हाजी जावेद साहब खुला बन रहे हैं भाई, खुला बन रहे, और 10,000 वोटों से जिताएंगे, 10,000 वोटों से, इससे कम नहीं, 10,000 वोटों से जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजबेग। क्या माहौल है आपके वहाँ से? हाजी जावेद का माहौल है इस बार भैया। तो दूसरा विकल्प क्यों नहीं है? दूसरा विकल्प इन्होंने 23 साल से बेवकूफ बनाया जनता को, जैसा अंसारी कहाँ बेवकूफ बनाया, लहरपुर में गेट बनवाया, डिवाइडर बनवाया, अच्छी सड़कें बनवाई, पूरी तरीके से लहरपुर जनता में किसी चीज की किसी सख्त को जरूरत पड़ती है तो वो दूसरे कैंडिडेट का सहारा ढूंढता है, इनके पास जब पहुंचता है आदमी तो वहां से जवाब मिलता, भैया तो दिल्ली गए हुए हैं, भैया कहाँ है, भैया तो वो नखलों में है, वो परसों आएंगे। इतने में आदमी के कपड़े उतार दिए जाए या वो लाठियों से नंगा कर दिया जाए, भैया है नहीं, भैया को सारे कस्बे के पद चाहिए। हाँ, जनता को भैया चाहिए तो भैया दिल्ली में है, जनता को भैया चाहिए तो भैया यहाँ नहीं, भैया दिल्ली में रहते, भैया लखनऊ में रहते, इसलिए आपके मन में नाराजगी है? मन में नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी होती तो ये कल कुछ नहीं थे। आज जैस्मीन अंसारी का बहुत ही मतलब नाम हुआ तो वो लहरपुर की जनता ने ही दिया, तब इस मुकाम पे वो पहुंचे, उनकी कोई पहचान नहीं थी। लहरपुर के जो जनता हमारी भोली भाली है, आज उनको मौका देके इस मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने जनता का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश रहे। पैसा लेकर के बोल रहे हैं क्या? ऐसा पैसा लेके नहीं बोल रहे हैं, पैसा जैस्मीन अंसारी के चुनाव पे खर्चा करते थे। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर खान, मोहल्ला बहलोरपुर, वार्ड नंबर 25 से। हसीन खान वाले हैं क्या? नहीं, हम लोग हाजी जावेद वाले हैं। जब हसीन खान सम्मान सीट में लड़ रहे थे तब भी हम लोग हाजी जावेद वाले थे और आज भी हैं, और जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक हाजी जावेद वाले हैं, और इस बार इंशाल्लाह बड़ी बहुमत वोटों से उनको विजय बना रहे हैं। पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं और पिछले 10 साल से हाजी जावेद काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, वक्त बेवर हर वक्त वो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ हम उसके साथ। पूरी तरह से मन बना लिया और इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और आगे सारे 25 मोहल्लों में से 20 वार्ड कोशिश करेंगे 25 वार्ड जीतने की इंशाल्लाह। चलिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम के तहत हम आज सीतापुर की नगरपालिका परिषद लहरपुर में बातचीत कर रहे थे और यहाँ के पब्लिक ने क्या कुछ कहा ये आपने बखूबी सुना। फिलहाल के लिए इन सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर से सहयोगी आशीष शर्मा के साथ
मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज 9 लाइव टीवी, लखनऊ।